क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी शिमरॉन हेटमायर को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आईपीएल 2022 का 20वां मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों संजू सैमसन और केएल राहुल आमने सामने आए टॉस के लिए। दोस्तों टॉस गिरा केएल राहुल की झोली में और लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से देवदत्त पडिक्कल और जॉस बटलर नए सलामी बल्लेबाज बनकर आए और आते ही आवेश खान ने जॉस बटलर को इस तरीके से बोल्ड कर रख दिया। खराब शुरुआत मिली राजस्थान रॉयल्स को। दोस्तों मुकाबले में जॉस बटलर 13 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद मैदान पर देवदत्त पडिक्कल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और सेट भी हो चुके थे, तभी उसी बीच दौरान रिवर्स शॉट खेलने के चक्कर में कृष्णप्पा गौतम की कैच दे बैठे स्लिप में होल्डर को, जिसके चलते देवदत्त पडिक्कल 29 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद संजू सैमसन जो कप्तान है राजस्थान रॉयल्स से ये बल्लेबाजी करने आए, लेकिन होल्डर ने इस तरह से LBW आउट करा दिया विकेटों के बीचों बीच, जिसके चलते कप्तान संजू सैमसन इस मुकाबले में 13 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके पास साउथ अफ्रीका के नए बल्लेबाज वैंडर डूसन आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो कृष्णप्पा गौतम की इस गेंद को पढ़ नहीं पाया और 4 रन जीत हो गए। इस मुकाबले में वैंडर डूसन मात्र 4 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके पास शिमरॉन हेटमायर ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की इस तूफानी मुकाबले में और अंत तक इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक लगाया, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में 60 रन की तूफानी पारी के लिए शिमरॉन हेटमायर ने सिर्फ 36 गेंदों में और शानदार मैच को फिनिश किया अंत में, जिसके चलते राजस्थान रॉयल्स ने 165 रन लगा दिए 6 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आखिरी ओवर में दियान पराग आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, जो 8 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए और उसके बाद आखिरी ओवर में मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया हेटमायर ने, जिसके चलते 165 रन लगा चुकी है राजस्थान रॉयल्स की टीम अपने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों आप राजस्थान रॉयल्स की इस तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता देवे जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स का तूफानी मुकाबला, तो आइए आप सभी को बताते हैं इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट। सबसे पहले इस मुकाबले में केकेआर ने टॉस जीता, श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर दिल्ली को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया। दोस्तों दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने शानदार शुरुआत दिलाई दिल्ली कैपिटल्स को। दोस्तों इस मुकाबले में पहले सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ ने काफी धाकड़ और काफी तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन उसके बाद वो इस तरीके से वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर अंत में आकर बोल्ड हो गए रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में 51 रन बनाकर 29 गेंदों का सामना करते पृथ्वी शॉ चक्रवर्ती गेंद पर बोल्ड होकर रह गए। उनके बाद भी डेविड वार्नर ने अंत तक तूफानी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे एंड से विकेटों का पतंग जारी था। तीसरे नंबर पर आए थे कप्तान ऋषभ पंत इस तूफानी मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए और श्रेयस अय्यर के बाद काफी बड़े ये कप्तान थे। दोस्तों आप सभी को बता दें इस शॉट गेंद पर फंस गए रसल की ऋषभ पंत, कैच दे बैठे उमेश यादव को बाउंड्री पर और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद ललित यादव भी इस तरीके से LBW आउट हो गया नारायण की घूमती हुई गेंद पर। दोस्तों इस मुकाबले में ललित यादव मात्र 1 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें इनके बाद खतरनाक बल्लेबाज रोमन पोयल भी नारायण की गेंद पर रिंकू सिंह को अपनी कैच दे बैठे इस तरीके से, जिसके चलते रोमन पोयल भी मात्र 8 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों अंत तक बल्लेबाजी कर रहे थे डेविड वार्नर, जिन्होंने इस मुकाबले में 61 रनों का तूफानी अर्धशतक लगाया था, तभी वो भी उमेश यादव की इस गेंद पर रहाने को कैच दे बैठे और 61 रनों की तूफानी पारी खेल 45 गेंदों में डेविड वार्नर की शानदार पारी समाप्त हुई। दोस्तों अंत में मैच को फिनिश किया लॉर्ड शार्दुल ठाकुर और अक्षर पटेल ने। दोस्तों इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने 22 रनों की तूफानी पारी खेली, वो भी सिर्फ 14 गेंदों का सामना करते हुए, तो उनके साथ लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने 29 रन लगाए सिर्फ 11 गेंदों में और दिल्ली को पहुंचा दिया 215 रन पर। जी हां दोस्तों डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल की तूफानी पारियों के बदले 215 रन बना चुकी है दिल्ली कैपिटल्स की टीम 5 विकेट के नुकसान पर। टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम। दोस्तों कोलकाता की शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों सबसे पहले इस मुकाबले में वेंकटेश अय्यर इस तरीके से आउट होकर रह गए। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में शॉट तो काफी ज्यादा खतरनाक लगाया था वेंकटेश अय्यर ने, लेकिन गेंद जाकर गिरी फील्डर की गोदी में, जिसके चलते खलील की गेंद पर अक्षर को कैच देकर 18 रन बनाकर 8 गेंदों में वेंकटेश अय्यर आउट हुए। ठीक बाद अजिंक्य रहाणे भी इस तरीके से आउट हो गए खलील अहमद की गेंद को हवा में खेलकर शार्दुल ठाकुर को कैच दे बैठे, जिसके चलते अजिंक्य रहाणे भी इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद नीतीश राणा आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ललित यादव की इस गेंद पर सामने खड़े सीधा कैच दे बैठे पृथ्वी शॉ को, जिसका चलते नीतीश राणा भी 30 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने अच्छी पारी खेली 54 रनों की और बेहतरीन अर्धशतक लगाया, लेकिन अपनी छोटी पारी को बड़ी में नहीं बदल पाए। दोस्तों कुलदीप यादव की गेंद को बाहर बढ़कर छक्का मारने की चाह में मिस कर बैठे और पीछे ऋषभ पंत ने स्टंपिंग कर दिया, जिसके चलते कप्तान श्रेयस अय्यर 54 रनों की तूफानी पारी खेल 33 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। दोस्तों उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। दोस्तों उनके बाद खलील अहमद की इस बाहर जाती हुई गेंद पर शॉट तो खेल बैठे सैम बिलिंग्स, लेकिन गेंद के नीचे आ गए ललित यादव, जिसके चलते सैम बिलिंग्स इस मुकाबले में 15 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद पिछले
मुकाबले के स्टार बल्लेबाज कमिंस आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी कुलदीप यादव की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और अंपायर ने LBW आउट दे दिया, जिसके चलते मात्र 4 रन बनाकर 3 गेंदों का सामना करते हुए रिव्यू लेकर भी आउट हो गया पैट कमिंस। उनके बाद नारायण से भी उम्मीद थी, लेकिन ये भी बड़ा शॉट खेल बैठे कुलदीप यादव की इस गेंद पर और गेंद के नीचे रोमन बोवेल आ गए, जिसके चलते 4 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते हुए इस मुकाबले में सुनील नारायण भी अपनी विकेट गवा बैठे। उनके बाद उमेश यादव भी मात्र 0 रन बनाकर 1 गेंद का सामना करते कुलदीप यादव की गेंद पर आउट हुए। दोस्तों आंद्रे नसर के ऊपर सबकी नजर थी कि रसल आशुत करिश्मा ना कर दे, लेकिन वो भी ठाकुर की इस गेंद पर सामने खड़े फील्डर को अपनी कैच दे बैठे और रसल भी 24 रन बनाकर 21 गेंदों का सामना करते हुए आउट हो गए। और अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम 171 रन पर ही ऑल आउट होकर रह गई, जिसके चलते 44 रन से जीत लिया दिल्ली कैपिटल्स ने तूफानी मुकाबला। जी हां दोस्तों, एक बड़ी मार्जिन से दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को तूफानी मुकाबला हरा कर रख दिया है। दोस्तों आप दिल्ली की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जान। दोस्तों मुंबई इंडियंस को मिली है करारी हार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने और अब पूरी तरह से नीचे गिर चुकी है मुंबई की टीम। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बुमराह में से कौन सबसे ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी है, इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों इसी मुकाबले में विराट कोहली ने सबसे बड़ा जीवन दान दिया था मुंबई इंडियंस को कि मुंबई इंडियंस वापसी कर सके इस तूफानी मुकाबले में और शर्मनाक हार से बच सके। जी हां दोस्तों, ये मौका खुद विराट कोहली ने दिया था। दोस्तों ये बात है मैच के 14वें ओवर की, जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आया। दोस्तों ओवर की पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट रखी जसप्रीत बुमराह ने 14वें ओवर की और विराट कोहली ने शानदार शॉट खेला, लेकिन गेंद गिरी जाकर बेरवेल ब्रेविस की गेंद पर, लेकिन उन्होंने दूसरे हाथ से गेंद छटक दी। दोस्तों आप सभी को बता दें ये था वो शॉट जो विराट कोहली ने सीधा खेल दिया था। दोस्तों गेंद जाकर गिरी ही थी गोदी में, लेकिन उतने ही दूसरे हाथ से छटक गई बेरवेल ब्रेविस के हाथों से गेंद और विराट कोहली की बड़ी विकेट छूट गई। दोस्तों इस वक्त 50 रन चाहिए थे सिर्फ 36 गेंदों में, जिसे देख रोहित शर्मा का हाल कुछ ऐसा हो गया था और जसप्रीत बुमराह इस सदमे से निकल नहीं पा रहे थे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है यहां अगर विकेट मिल जाती 1 या 2 तो मैच बदल सकता था। लेकिन उसके बाद अंत में आकर मैक्सवेल ने मैच को फिनिश किया और रोहित शर्मा पूरी तरह से हैरान नजर आते हुए इतनी करारी हार के बाद। ऐसे में खुद विराट कोहली के जीवन दान देने के बाद भी मुंबई इंडियंस से मुकाबला जीत नहीं पाई। तो दोस्तों आपको इस पूरे कारनामे पर क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का तूफानी मुकाबला समाप्त हो चुका है और एक और बार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने मुंबई इंडियंस को एक करारी हार हरा कर रख दिया है तूफानी मुकाबले में 7 विकेटों से। इस मुकाबले के असली मैच विनर विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए अंत तक बल्लेबाजी करने के बाद भी, हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी उसके बाद भी उन्हें आउट दिया गया। दोस्तों आइए उस नजारे पर चलते हैं जहां विराट कोहली काफी ज्यादा गुस्सा हो गया थर्ड अंपायर के ऊपर। दोस्तों ये बात है मैच के 18वें ओवर की, जब दिनेश कार्तिक विराट कोहली के साथ बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों 18वां ओवर रोहित शर्मा ने बेवेल्ड ब्रेविस को दिया गेंदबाजी करने के लिए विराट कोहली के सामने। 212 गेंदों पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे। 18वें ओवर की पहली गेंद ब्रेविस ने जैसे ही डाली तो विराट कोहली से खेलने के चक्कर में मिस कर बैठे और गेंद लग गई बैट्स पर, जिसकी अपील पर अंपायर ने इसे आउट दिया दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें जैसे अंपायर ने आउट दिया तो विराट कोहली ने तुरंत ही रिव्यू लेने का फैसला किया, वो कॉन्फिडेंस से कि बल्ले का एज लगा है। अब जैसे ही थर्ड अंपायर के पर डिसीजन गया तो थर्ड अंपायर ने देखा कि बल्ले और गेंद को दोनों को साइमल्टेनियसली लग रही है, ऐसे में बैट्स और बल्ला दोनों साथ में लग रहा है, जिसके चलते एज लगने के बावजूद भी अंपायर ने इस डिसीजन को आउट दिया। दोस्तों जिसके चलते 48 रन बनाकर विराट कोहली काफी ज्यादा गुस्से में अपने बैट को पटकते हुए वापस पवेलियन लौट गए। दोस्तों विराट कोहली के अनुसार ये नॉट आउट देना चाहिए था क्योंकि बल्ले का एज लगा था, उसके बाद गेंद बैट्स पर लगी थी। हालांकि इतना होने के बावजूद भी 48 रन पर विराट कोहली को आउट दिया गया 36 गेंदों का सामना करते हुए। तो दोस्तों क्या आपको लगता है क्या विराट कोहली आउट दे या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों समाप्त हो चुका है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस का तूफानी मुकाबला, तो आइए आपको बताते हैं इस पूरे मुकाबले की हाईलाइट। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है, इसका जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों IPL 2022 का सबसे रोमांचक मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम मुंबई इंडियंस के बीच में शुरू हो चुका है। दोस्तों टॉस की बात करें तो इस मुकाबले में फैफ डुप्लेसी RCB के कप्तान टॉस जीता और गेंदबाजी का किया फैसला। ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम, शुरुआत मुंबई की खराब रही। दोस्तों इस तरीके से रोहित शर्मा हर्षल पटेल की घूमती हुई गेंद पर टच कर बैठे और सामने वही खड़े थे और उन्होंने ही कैच पकड़ी और हर्षल पटेल के हाथों कैच एंड बोल्ड हो गए। रोहित शर्मा 26 रन बनाकर 15 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पहली विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बेबी एबी डिविलियर्स इस तरीके से LBW आउट हो गए। दोस्तों बेवाल्ड ब्रेविस पूरी तरह से विकेटों के सामने आ चुके थे हसरंगा की घूमती हुई गेंद पर, जिसके चलते 8 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते हुए बेवाल्ड ब्रेविस आउट होकर रह गए। उनके बाद ईशान किशन मैदान पर 26 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी आकाशदीप की शॉर्ट गेंद पर खेलने के चक्कर में सामने खड़े बाउंड्री पर सिराज को अपनी कैच दे बैठे ईशान किशन और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों ईशान किशन 26 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे तिलक वर्मा। दोस्तों इन्होंने गेंद को टच किया, टच करके रन लेने के लिए दौड़ ही रहे थे कि मैक्सवेल ने दूसरे एंड से रन आउट कर दिया। इस तरीके से क्रीज के अंदर वो नहीं आ पाए, जिसके चलते तिलक वर्मा मात्र 0 रन बनाकर 3
गेंदबाज सामना करते अपनी बड़ी विकेट को आ बैठे। उनके पास सबसे बड़ा झटका लगा मुंबई को पोलार्ड के रूप में, जो इस तरीके से LBW आउट हो गए हसरंगा की घूमती हुई गेंद पर। दोस्तों मात्र 0 रन बनाकर पोलार्ड आउट हुए, जो सबसे बड़ी विकेट थी। दोस्तों उनके बाद रमनदीप सिंह आए थे, लेकिन ये भी 6 रन बनाकर 12 गेंदबाज सामना करते अपनी बड़ी विकेट को आ बैठे। लेकिन मैदान पर 30 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे मुंबई की तरफ से सूर्य कुमार यादव, और इन्होंने मुंबई की किस्मत के सिक्के पलट दिए इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए। दोस्तों इस मुकाबले में अंत तक नाबाद और तूफानी बल्लेबाजी की सूर्य